गाइस, मैं हूँ राखी। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एलएसीटी राखी रसोई में। चलिए आज मैं दिखाऊंगी एक बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाकर पत्ता गोभी की। जो देखिए, इस तरीके से मैं स्लाइसेस में काट लूँगी, पतले पतले काट लूँगी मैं पत्ता गोभी को। और पत्ता गोभी को काटने के बाद आप लोग को दिखाएंगे और पूरी रेसिपी आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में मेरी वीडियो को शेयर करें गाइस। चलिए आप लोग को बनाकर दिखाते हैं। देखिए गाइस, अच्छे से काट लिया है ये पत्ता गोभी, काट लिया है। यहाँ पर मैंने आलू लिया है, थोड़ा सा मटर लिया है, एक प्याज लिया है। आलू देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है अच्छे से साफ़ करने के बाद। अब मैं इसको छौंक के दिखाऊँगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल, 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है, मस्टर्ड ऑयल है ये। डालने के बाद गरम कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा डालूँगी, 1/2 टीस्पून डालूँगी इसमें अजवाइन, और 4-5 मैंने लिया है यहाँ पे सूखी लाल मिर्च। इसको भी टुकड़ों में तोड़ लूँगी और इस तरीके से ऐड कर दूँगी तेल में। डालने के बाद इसको थोड़ा सा चटकने दूँगी और कलर थोड़ा सा कलर मिर्ची का चेंज कर लूँगी। कलर चेंज करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग, जो 2 पिंच के करीब हींग है। तो हींग ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए लंबे स्लाइसेस में प्याज काट के रखी हूँ। 1 प्याज है ये मीडियम साइज के, तो इसको काट करके मैंने रख लिया है। अब मैं इसको ऐड कर दूँगी और ऐड करने के बाद इसको मैं भून लूँगी 2 मिनट के लिए। मैं हाई फ्लेम पे भून लूँगी इस तरीके से। और सर्दियों में बनाकर खाएं गाइस आप लोग, ये बहुत अच्छी लगती है, इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से बनाइए। मैं इसमें कोई लहसुन का यूज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ प्याज के अलावा, और मैं मसाले ऐड करूँगी। लहसुन का इसमें यूज नहीं कर रही हूँ, लहसुन अदरक का। तो देखिए यहाँ पे आलू ऐड कर दिया, आलू के साथ ही मैं यहाँ पे मटर ऐड कर दूँगी। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी टाइम के लिए इसको मैं ढक दूँगी, 3 मिनट के लिए करीब, हाई फ्लेम पर ही, सॉरी मीडियम फ्लेम पर इसको ढक करके भून लें। 3 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए 3 मिनट करीब मीडियम फ्लेम पे मैंने भून लिया है इसको, बीच बीच में चलाते रहे। अब यहाँ पे मैं पत्ता गोभी ऐड कर दूँगी, जो मैं धो करके रखी हूँ साफ़ करके। तो यहाँ पे पत्ता गोभी ऐड करने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी, एक साथ ही नहीं डालना है क्योंकि मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ये देखिए सारे पत्ता गोभी को मैं डाल दूँगी, और मैं डाल दूंगी सारे पत्ता गोभी को। डालने के बाद अच्छे से फिर से मैं इस तरीके से सेट कर दूंगी कढ़ाई में। कढ़ाई में डालने के बाद इसको मैं ढक दूंगी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, इसको ढक करके भून लूंगी, बीच बीच में चलाती रहूंगी। 5 मिनट के बाद दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए अच्छे से भून लिया है, 5 मिनट के बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। और भूनने के बाद ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं फ्लेम को मीडियम रखूँगी, मीडियम फ्लेम पे इसको भून लेना है। अच्छे से भून लेने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे देखिए छोटे चम्मच से 1 चम्मच यहाँ पे लिया है मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच लिया है, और 1 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे धनिया पाउडर। डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करने के बाद इसमें देखिए नमक ऐड करूँगी, अपने स्वाद अनुसार नमक यहाँ पर ऐड कर दे। और मसाले में मैंने बहुत ही सिंपल मसाले लिया है, धनिया मिर्ची हल्दी, बस यही मसाले यूज करूँगी। और फिर भी बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। अब मैं यहाँ पे नमक डालने के बाद थोड़ा सा होममेड गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला डालने के बाद यहाँ पे देखिए 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट के मैंने अच्छे से रख लिया था, वो भी ऐड कर दूँगी एक साथ ही। और सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से मिक्स करें। और यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर मीडियम फ्लेम है, और जब मैं ढकूंगी तो मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे करीब 10 से 12 मिनट करीब यहाँ पे लो फ्लेम पे अच्छे से ढक करके भून लूँगी। इसे मिक्स करते हुए इसको भून लेना है, मिक्स बहुत अच्छी तरीके से करना है। और ध्यान रखिए कि नीचे सब्जी जले ना, तो इस तरीके से सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी कि नहीं लगी। पसंद आई हो तो इस बात पर तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनती है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले, और मेरे चैनल पे नई आई है वो भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब दिखाते हैं सब्जी की। अब मैं यहाँ पर ढक दूँगी सब्जी को। अब मैं 12 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, ये देखिए 12 मिनट के बाद देखिए सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। तो सब्जी बन करके तैयार है,
थोड़ा सा मैं हाई फ्लेम पे भून लूँगी 2 से 3 मिनट करीब। और सब्ज़ी देखिए देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, तो खाने में वाकई बहुत टेस्टी बनी है। तो ज़रूर आप लोग भी बनाएं इस तरीके से, और ये रोटी चावल किसी के साथ भी खाइए, बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से बनाई हूँ। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल करके इसका टेस्ट और मैं बढ़ा दूँगी। और हरा धनिया डालने से बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है खाने में। तो चलिए सब्ज़ी तैयार है। इसी बात पे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दीजिए। और अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी।